वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एन डी एम फॉर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हुंडई न्यूज़ के जो i10 है उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में, मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो फुल वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। तो फ्रंट से की बात करें तो फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक आपको बम्पर मिलता है, साथ में आपको DRL स्पिन जाएगा जो कि न्यू लुक के साथ आई है। और उसके अलावा हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आता है, ठीक है, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कराता है और विजिबिलिटी में भी हेल्प करता है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको 15 इंच का स्टाइल व्हील मिलता है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये लोअर रिम है या फिर व्हील स्टाइल व्हील है, तो मैं बता दूँ कि ये स्टाइल व्हील है, व्हील अलॉय व्हील नहीं है। और अगर टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये इसमें टर्न इंडिकेटर आपका इनबिल्ट आता है जो कि फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों है। उसके अलावा एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा हुंडई में कि इन्होंने जो क्रोम है वो आपके स्पोर्ट्स मॉडल में दे के रखा है, तो बाहर से एक्सरसाइज लगाने का कोई ये नहीं, बर्डन नहीं है कि आपको बाहर से ये लगाना है। तो ये आपको चारों डोर हैंडल्स में मिल जाएंगे क्रोम फिनिश के साथ। उसके अलावा पीछे में भी आपको सेम 15 इंच का स्टाइल व्हील मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पोर्टी इसके लुक को बनाता है। उसके अलावा हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और डिफोगर मिलता है। एक चीज़ है कि ये इसका स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसमें रियर वाइपर मिसिंग है, बट अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको आस्था मॉडल परचेज करना पड़ेगा। उसके अलावा आप देख रहे होंगे ये आपका LED कनेक्टिंग टेल लैम्प के साथ आता है। उसके अलावा ग्रैंड i10 का बैजिंग और हुंडई का लोगो और साथ में वेरिएंट का स्पोर्ट्स का बैजिंग, साथ में आपको न्यूज का बैजिंग भी मिल जाता है। पीछे में आपको यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाता है जो कि मैं आपको अंदर बताऊँगा कि जब आप रियर रिवर्स गियर लगाते हैं तो कैमरा का सारा जो वीडियो आपको 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये गाड़ी डिलीवरी के रेडी है तो इसमें कुछ एक्सरीज एक्स्ट्रा फिटिंग लगा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा फिटिंग एक्सरीज में आता है जिसको डोर वाइजर बोलते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, अगर आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं तो ये ज़रूर अपने गाड़ियों पर लगाएं जो कि काफ़ी बरसात के दिन में हेल्पफुल रहता है। अब अंदर की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका स्पोर्ट्स मॉडल है तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। हाँ, गाड़ी को डबल करके लॉक और यहाँ पे की से अनलॉक कर सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर का फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये आपका ORVM जो है वो फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों है, तो इसके भी कंट्रोल्स आपको ड्राइवर साइड ही मिल जाएंगे। उसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें तो ये स्टीयरिंग में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, उसके सेटिंग्स वगैरह ये सारे, और जो डिस्प्ले है उसका मेनू का कंट्रोल्स मिल जाता है। मैं आपको एक बार इग्निशन ऑन करके बताता हूँ। तो देख रहे होंगे यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे मेनू का कंट्रोल्स जो कि उसके MID का जो कंट्रोल्स बोल सकते हैं वो भी आपको मिल जाता है राइट साइड में। वही लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडियो का कंट्रोल्स, जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन, और म्यूजिक का कंट्रोल्स जैसे फॉरवर्ड, और यहाँ से आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे वॉइस कमांड भी दिया हुआ है, यानी वॉइस कमांड से भी बहुत सारा चीज़, टेक्स्ट वगैरह, कॉल वगैरह आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये 8 इंच का डिस्प्ले आता है जिसमें आपको मीडिया, रेडियो वगैरह के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, तो भाई ये फुल HD कैमरा है जो कि बाकी कंपनी
आज के डेट में नहीं देती, वो जनरली VGA कैमरा देती है जिसका वीडियो क्वालिटी उतना बेटर नहीं होता, और साथ में आपको ऑटो AC का कंट्रोल्स भी मिल जाता है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, वो आपके इसके स्पोर्ट आस्था का जो टॉप मॉडल है उस वेरिएंट में मिल जाता है। साथ के अलावा आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं, तो भाई काफ़ी प्यारा इंटीरियर है, मतलब ब्लैक एंड बेज कलर का इंटीरियर है जो कि इसको सीट कवर के और बाकी डिज़ाइन को काफ़ी लुक वाइज बेटर बनाता है। ये हो गया इसके ड्राइवर साइड का प्रोफाइल, रियर साइड का मैं बताता हूँ। रियर साइड में एक चीज़ बेटर लगा, इसमें रियर में भी आपको AC दिया हुआ है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का 103 सॉकेट दिया हुआ है, तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे भी दो आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी कंफर्ट रहता है, अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल फीचर्स है। एक बार मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। तो भाई अगर आप हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं जो कि सिटी मूवमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो i10 नियोस काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू।